अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड पीके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना सकाउल, और आप देख रहे हैं ट्रेंड पीके। आज हम मौजूद हैं FAW मोटर्स सरगोधा पर। तो यहां ये इनका ऑफिशियल आउटलेट है और यहां पे इसकी रिपेयरिंग वर्कशॉप भी अवेलेबल है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, ये यहाँ पर CEO हैं, और दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं बशारत साहब, ये यहाँ पर सेल्स मैनेजर हैं। तो आज वैसे बेसिकली हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है फॉग की V2 गाड़ी। तो ये 1300 CC गाड़ी है और इस वक्त मार्केट में काफ़ी चल रही है, और इसकी प्राइस हम आपको बताएं। उससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इसमें जो है EFI सिस्टम आ रहा है, और ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माइली देने वाली गाड़ी है। तो मैं यासिर साहब से और बशारत साहब से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले इसकी कीमत सर क्या चल रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये 16,09,000 इनवॉइस है इसकी, और ड्यूल एयर बैग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडोज़ में है, जो इसकी ब्रेक है ABS प्लस EBD है, और इंजन 1300 CC VCTI टेक्नोलॉजी का। ठीक है सर, तो इसके अलावा और इसके कोई शाइनिंग फीचर्स आप ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहें? इसमें लाइट एडजस्टर है, साइड मिरर एडजस्टर है, विंडो पावर्स हैं, जेन्युइन अलॉय रिम जो कोई कंपनी नहीं दे रही, अच्छे टायर हैं 8 ply के। ठीक है, अच्छा प्राइस सर आप इसकी 16,09,000 बता रहे हैं, तो उसके अलावा इस पर कोई ऑन वगैरह भी चल रहा है? ऑन दूसरी कंपनीज तो ले रही हैं, पर FAW नहीं ले रहा अभी, तो हाज़र में दे देते हैं इसको। चलें, ग्रेट सर, अच्छी न्यूज़ है ये ऑडियंस के लिए। तो इसके अलावा इसकी जो डिलीवरी टाइम है वो कितना इस वक्त चल रहा है? ये 35 से 40 दिन तक है। ठीक है, और अगर सर कोई अपनी फैमिली के लिए अर्जेंटली लेना चाहता है तो 1-2 दिन में आप अवेलेबल करवा देते हैं? हाँ जी, वो फौरी डिलीवर कर देते हैं उसको। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बशारत साहब, सबसे पहले आप ये बताएँगे ये कितने CC इंजन है इसका? जी बहुत शुक्रिया, ये इसका जी 1.3 यानी 1300 CC इंजन में है, और इस वक्त मार्केट में जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उन सब से ये बड़ी अच्छी गाड़ी है। और इसकी जो प्राइस आपको पहले बता दी गई है, इतनी कीमत में पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ अवेलेबल हो, ठीक है। और इसके स्पेयर पार्ट भी दस्तयाब हैं, यानी Euro 4 टेक्नोलॉजी के साथ VCTI का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन है, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है जी। और इस गाड़ी को अभी तो मार्केट में काफ़ी अरसे से चल रही है, जो लोग व्यूअर्स इस्तेमाल कर चुके हैं या जिनके पास है वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, और इस गाड़ी की ग्रिप, रोड ग्रिप जो होती है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात सर, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 seat। ठीक है, और उसके अलावा सर इसमें कोई वेरियंट्स भी आ रहे हैं? नहीं, इसमें अभी हमारे पास जो है ये चूँकि पाकिस्तान में असम्बल हो रही है, और इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ही ज़्यादा कामयाब है, जो लोग गाड़ी को समझते हैं, रखते हैं, वो जानते हैं इस बारे में। तो इसमें अभी लेटेस्ट थोड़ा सा, पहले सिर्फ जो EFI इंजन था, अब EFI के साथ VCTI टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, ठीक है, उसमें इसकी कारकर्दगी पहले से भी ज़्यादा बेहतर कर दी गई है। ठीक है सर, उसमें बेहतरी किस तरह से की गई है, आप थोड़ा सा आम आदमी की ज़बान में बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये देखें, आम आदमी के लिए जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स यूज़ हो रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, और ख़ास तौर पे कुछ स्पेसिफ़िक गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं जिनकी बजट बहुत ज़्यादा हो गया, आम आदमी की पहुँच से ज़्यादा हो गई हैं। इस मतलब कम्पटिशन में, हेल्दी कम्पटिशन में, इस वक्त हमारी ये फा मोटर्स की गाड़ी, इस वक्त आप पूरी मार्केट चेक कर लें, इतने मतलब फीचर्स के साथ कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, जो कि 1.3 इंजन के साथ 16,09,000 में कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं है, और इतनी अच्छी कारकर्दगी वाली और मज़बूत और पायदार, ठीक है, ये भी बड़ी बात है कि मज़बूत और पायदार गाड़ी है। कुछ गाड़ियां मार्केट में ऐसी हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि वो डिस्पोजिबल गाड़ियाँ होती हैं, कि यूज़ की तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी ऐसी है कि ड्यूरेबल है, पायदार है, मज़बूत है, और इकोनॉमिकली यानी कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन जो होती है ना, वो मतलब 18 से 20 किलोमीटर तक ये अपना पर लीटर की एवरेज है इसकी। ठीक है सर, तो इसके अलावा इसमें वारंटी कंपनी की तरफ से कितनी दी जा रही है? हाँ जी, इसमें कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी है जी, ठीक है जी, जो कि 3 साल या इधर ये होता है कि 60,000 किलोमीटर तक, ठीक है, उसमें इंजन और इसका सस्पेंशन और गियर, ठीक है, इन पार्ट्स की वारंटी होती है। ठीक है, तो अब इसका इंजन हम खोलते हैं और ऑडियंस को बोनट खोल के दिखाते हैं ज़रा कुछ। जी जी, आ जाएं अभी इसको देखते हैं। जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस गाड़ी को आप, ठीक है जी। इसमें ये 16 valve VCTI
टेक्नोलॉजी जो जैपनी टेक्नोलॉजी है उसका ये इंजन है, मज़बूत और पायदार इंजन है। यानी 2013 से ये पाकिस्तान में चल रही है, तो हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा यूनिट इसका सेल हो चुका है, लेकिन इसकी इंजन की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है। स्पेशली प्लस इसमें ये ABS प्लस EBD ये ब्रेक सिस्टम है। ठीक है जी, ABS और प्लस EBD जो मतलब इम्पोर्टेड गाड़ियों में आता है ख़ास तौर पे, और साथ में ये ड्राई बैटरी दे दी गई है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप इसकी बात करें कंडेंसर की, ठीक है, ये अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये कंडेंसर इसका देखें, इसका साइज़ यानी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उतना बड़ा इसका साइज़ है, इतना ही बड़ा इसका रेडिएटर है, जिसकी वजह से इसका हीटिंग सिस्टम जो है ना वो बड़ा परफेक्ट है, गाड़ी गर्म नहीं होती। ठीक है जी। ठीक है, और सर इसका ये एयर कंडीशन जो है वो प्रॉपर वर्क करता है प्रॉपर? जी बिल्कुल, इसका डेंसो कंपनी का सबसे अच्छी कंपनी है, उसका ज़बरदस्त AC है, कूलिंग सिस्टम ज़बरदस्त है। ठीक है सर, इसके अलावा अगर लाइट्स की बात करें तो फोग लाइट्स जो है ना ये कंपनी साथ दे रही है। ठीक है, इस गाड़ी में फोग लाइट्स आ रही हैं जो कि गाड़ियों में नहीं आती। इसी तरह लाइट्स पे आ जाएँ, लाइट इसकी ज़बरदस्त है। बॉडी पे अगर आएँ तो बॉडी का मटेरियल अगर इसका चेक करें तो बॉनेट आपको पता चलेगा कि कितना मज़बूत है और वज़न है। इसके अलावा टायर्स पे आ जाएँ, टायर इसमें आपको मिल रहे हैं जी अलॉय रिम के साथ, और 8 ply का टायर है इसमें। ठीक है जी, और आगे अगर आएँ गाड़ी की बात करें आप तो देखें इंटीरियर, देखें गाड़ी का इंटीरियर पे आएँ तो बहुत मज़बूत और ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इंटीरियर में है। अगर चलिए सर हम इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं ऑडियंस को, खुद चेक करें। जी सर, तो ये इसके स्टेयरिंग के हवाले से आप बताएंगे जी, इसमें जो 2 colors दिए गए हैं और ये मटेरियल इसमें कौन से यूज़ हुए? जी इसमें जो इम्पोर्टेड मटेरियल होता है वो इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ ये ड्यूल एयर बैग हैं इसमें। ठीक है जी, ये ड्यूल एयर बैग के साथ है, और AC भी इसमें ज़बरदस्त है, और ट्रांसमिशन इसका जो है वो मैनुअल है। ठीक है जी, कौन से मटेरियल यूज़ हुए सीट पे? जी सीट में ये भी इम्पोर्टेड होता है। ठीक है, इसमें एडजस्टेबल सीटें हैं, और मतलब इसको आप इजीली स्पेस इसकी देखें, अगर आप ना स्पेस को चेक करें, ये देखें पीछे से, ये देखें, अगर किसी भी गाड़ी बड़ी गाड़ी से ये काम नहीं है इसकी स्पेस, मतलब बड़े साइज़ का भी जो बंदा होता है ना वो इजीली इसमें बैठ के कंफर्टेबल सफ़र कर सकता है। सही है, बिल्कुल काफ़ी खुली सीटें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, आप इसको अगर देखेंगे ना मज़ीद करीब से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, उसके अलावा से इसमें पावर विंडोज़ वगैरह भी दिए गए हैं? जी ये पावर विंडोज़, पावर डोर, कीलेस एंट्री, मतलब सेंट्रल जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम इसके साथ आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है सर, तो इसके अलावा इसका इंटीरियर हमने देख लिया, अब इसके अलावा हम थोड़ा सा इसकी बैक को डिस्कस करना चाहेंगे कि इसके बैक पे हमें क्या दिया गया। क्रिस्टल लाइट्स हैं बैक, और बैक पे भी आपको ये इसमें फोग लाइट्स दे दी गई हैं। ठीक है जी, और अगर डिगी की बात करें तो इसमें लार्ज ट्रंक साइज़ डिगी जो है ना वो दी गई है। सर जी कितने लीटर इसका हुड है? ये है जी 42 liters। ठीक है जी, ये डिगी मतलब इस साइज़ की जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें इतनी बड़ी जो डिगी है ना किसी की भी नहीं है, ये लार्ज ट्रंक साइज़ डिगी है। और अगर इसमें आप देखें तो ये स्पेयर टायर भी दिया गया है। ठीक है जी, और साथ में ये टूल किट भी है। ठीक है, ये भी स्पेशली इसके साथ है। ठीक है, सारा सामान जो ज़रूरत आपको पड़ सकती है ऑडियंस, आपको साथ इसके मिल रहा है। और इसकी आप ये ABS प्लस EBD ब्रेक भी है। ठीक है सर, ये टेल लाइट फंक्शनल है इसकी? फंक्शनल है, बिल्कुल एग्जैक्टली फंक्शनल है। अच्छा सर, इसके जो मिरर्स हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, ये फोल्डेबल हैं? जी फोल्डेबल हैं, और पावर जो है एडजस्टेबल भी हैं। ठीक है जी, मिरर एडजस्टर ऑटो इसमें अंदर गाड़ी में मौजूद हैं। ठीक है, और लाइट्स भी जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, ऑटो लाइट्स जो हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। ठीक है, यानी हर तरह से एक कंप्लीट गाड़ी है, फैमिली के लिए एक कंप्लीट गाड़ी है, जिसमें किसी किस्म की कोई वो कमी नहीं है इतने बजट में ख़ास तौर पे। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपको इतने बजट में इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑडियंस आप देख सकते हैं इसके एयर कंडीशन वगैरह फ्रंट सीट के सामने। जी बिल्कुल, अगर आप इसके गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और बड़े मज़बूत इसका जो इंटीरियर है ना वो इस्तेमाल किया गया, और जो किसी भी इम्पोर्टेड और अच्छी गाड़ी में इस्तेमाल होता है वो
एसी के ब्लोअर हैं वो ज़बरदस्त हैं, एसी बड़ा पावरफुल है, इसमें जो है इंस्टॉल्ड डेक दिया गया है। और इसके अलावा ये ट्रांसमिशन आप देख लें, इसका ये ज़बरदस्त है, यानी बड़ी इसमें हाइट, अगर छत की बात करें तो इसकी हाइट देखें, बड़ी कंफर्टेबल हाइट है। समटाइम ये होता है गाड़ियों की हाइट जो होती है ना छत की, वो इतनी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल लंबे कद के लोगों के लिए मसाइल होते हैं, मसला होता है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के कंपनी ने गाड़ी, जैसे ये डैशबोर्ड में मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया? ये मेटालिक होता है जी, एक्चुअली इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, ये मैट ऊपर से फिनिश दी गई है ताकि वगैरह से सेफ रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। सेफ्टी मेजर्स में देखें तो ड्यूल एयर बैग इसमें दिए गए हैं। सही है, सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल इन्होंने ख्याल रखा है आवाम की, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फ्रंट इसके मतलब इसके अंदर से जो मटेरियल होता है ना वो रॉड्स होते हैं, जिनको मतलब ये चीज़ें सामने तो नज़र नहीं आती ना, तो हम चूँकि वो देखते हैं उनको, मतलब वो भी यहाँ से डबल दिए गए हैं सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए ना। तो ऑडियंस, ये आपने देखी फॉर्म मोटर्स की V2 गाड़ी, अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक इनसे करवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यही थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। देखते रहें टेंट पीके, अल्लाह हाफिज़।